चिराग सिंह। आज आप लोगों को मैं इलेक्ट्रिशियन टूल्स के बारे में बताऊंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे छह टूल्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक नियॉन टेस्टर, वायर स्ट्रिपर, प्लायर एंड बॉल पिन हैमर। तो ये इलेक्ट्रिशियन टूल्स जो हैं हमारे काम करने की गुणवत्ताओं को बढ़ाते हैं, है ना। तो इनके माध्यम से हम जो है अपने काम को और अच्छा, प्रोफिशिएंट और गुड लुकिंग कर सकते हैं। तो जैसे नियॉन टेस्टर का जो वर्किंग है, इससे हम एक लाइव वायर या फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे हम फेस वायर को जान सकते हैं। जैसे किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है और हमें जो है ये देखना है कि कहाँ किस पे कौन सा लाइव वायर है या फिर कौन सा न्यूट्रल है। तो इसके लिए हम नियॉन टेस्टर का यूज करते हैं। नियॉन टेस्टर का यूज करने के लिए हमें नियॉन टेस्टर को ऐसे हाथ में, ये अगर ऐसा नियॉन टेस्टर हम इसको समझें, हाथ में होल्ड करके और जो न्यूट्रल वायर और फेज वायर दोनों में हमें टच करना होता है। तो यहाँ पे नियॉन लैंप होती है इस टेस्टर में। नियॉन लैंप जब ग्लो करेगी, जब हम कंडक्टर में टच करेंगे, जब ग्लो करेगी, तो उस टाइम पे हमें ये पता चलेगा अगर नियॉन लैंप ग्लो करती है तो ये लाइव वायर है और अगर न्यूट्रल पे ग्लो नहीं करती है तो हमने ये क्लियर हो जाएगा कि ये लाइव वायर है। ऐसे ही वायर स्ट्रिपर का यूज हम कंडक्टर से इंसुलेशन हटाने के लिए करते हैं। जैसे कहीं पे भी अगर वायरिंग हो रही हो या फिर लाइव वायर हो, तो उसे हम ऐसे हाथ से या मुंह से नहीं छीन सकते हैं, नहीं उसका इंसुलेशन हटा सकते हैं। तो उसके लिए हम वायर स्ट्रिपर का यूज करते हैं। देन प्लायर, ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। कॉम्बिनेशन प्लायर में दो तीन चीजें हम एक साथ कर सकते हैं। मतलब इसमें स्टार्टिंग में जो है किसी चीज को, किसी नट को या बोल्ट को कसने के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे सेंटर में होल सा होता है यहाँ पे, तो किसी भी मटेरियल को, मेटल मटेरियल या फिर प्लास्टिक जो भी है, उसको हम बोल्ट करने के लिए यूज करते हैं ऐसा। और देन यहाँ पे एक वायर स्ट्रिपर टाइप से यहाँ पे होता है, इसके थ्रू हम इंसुलेशन भी हटा सकते हैं। तो ये प्लायर का वर्क होता है। देन फिर हम आते हैं बॉल पिन हैमर पे। तो बॉल पिन हैमर का यूज हम किसी भी चीज को फोंकने के लिए और उसको शेप देने के लिए यूज करते हैं। फिर मैलेट का यूज हम किसी भी पतली थिन लेयर को, मेटल लेयर को बीट करने के लिए, उसे अगर कहीं तिरछा हो गया उसको बीटने के लिए, अगर हमें सही आकार देना है तो यूज करते हैं। चीजर का यूज हम कंक्रीट या वुड, कभी कभी वुड में भी और कंक्रीट में भी, उसको तोड़ने के लिए या फिर शेप देने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रिशियन टूल्स जिन्हें हम यूज करते हैं और इसे हमारे काम को सही करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, गुणवत्ता देने के लिए यूज करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।